हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे Redmi Note 5 Pro का। दोस्तों आपने चीनी स्मार्टफोन कंपनी Redmi का नाम तो सुना ही होगा जरूर। दोस्तों अब यह जो कंपनी है दोस्तों वो स्मार्टफोन के लिए जानी जाती है और स्मार्टफोन में बेहद सस्ते और फीचर बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं दोस्तों। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि Redmi कंपनी के बारे में आपको नहीं पता होगा दोस्तों ये बातें। अब सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों, हमको ये बता देते कि Redmi Note 5 Pro की जो कड़ी टक्कर दे रहा है दोस्तों वो इस फोन में Lenovo का स्मार्टफोन दे रहा है दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों अगर दूसरी बात करें तो हम आपको बता दें कि Lenovo S5 जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इसका कंपटीटर है मार्केट में। तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन क्या है और इनके कीमत के बारे में क्या है। तो अगर बात करें Redmi Note 5 Pro के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है फ़ोन की दोस्तों 5.65 इंच की फुल HD डिस्प्ले है दोस्तों। अब ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है दोस्तों, तो ये सबको आप पसंद आएगी दोस्तों। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो फोन में आपको पावर देने के लिए दोस्तों 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल जाएगी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 SoS प्रोसेसर मिल जाएगा दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा है। और फोन में आपको दोस्तों एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो की अपडेट मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा पूरा का पूरा 8.1 पर ही आधारित होगा दोस्तों। अब अगर बात करें इसके कैमरे की, हम आपको बता दें इसके डबल इसका जो कैमरा है दोस्तों पीछे की तरफ वो आपको डबल मिल जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा में अगर कुछ कहा जाए तो इसका जो एक कैमरा है दोस्तों वो 13 MP कैमरा होगा, दूसरा जो कैमरा होगा दोस्तों वो 8 MP का कैमरा होगा। और जो इसकी सेल्फी होगी दोस्तों, सेल्फी के लिए जो कैमरा होगा वो 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, जो कि परफेक्ट सेल्फी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे फंक्शन भी है। अब अगर बात करते हैं इसके स्टोरेज की तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि इसके जो स्टोरेज है उसमें 4GB रैम मिल जाएगी आपको 64GB के स्टोरेज के साथ दोस्तों। इसमें कोई सिक्योरिटी के लिए अगर बात करें तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा भी मिल जाएगी दोस्तों। अगर इस कीमत की अगर बात करें इस मार्केट में तो दोस्तों ये जो फ़ोन है आपको 13,990 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। और ये जितनी भी ऑनलाइन की ई कॉमर्स की वेबसाइट है दोस्तों, फ्लिपकार्ट हो गई या फिर अमेजन हो गए, उन पर आपको दोस्तों मिल जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।